तो ये बहुत से गंभीर सवाल आज देश के सामने, लोगों के सामने खड़े हैं। हम पूरे अपने बहादुर खिलाड़ियों को कहेंगे, हिम्मत मत हारिए। हमने पहले दिन से कहा है, अभी भी हम वचनबद्ध हैं कि हम अपनी इन खिलाड़ियों के साथ, बेटियों के साथ न्याय मिल जाने तक पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और ये आंदोलन वापिस जंतर मंतर पर जिस तरह से चल रहा था, न्याय मिल जाने तक वहां पर चलने का अधिकार मिले। जो FIR इन पे दर्ज कर की गई है, उस FIR के लिए, इनके लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस अपना पूरा कानूनी तौर पर, जितने से जितने भी बड़ा वकील है इनसे लड़ने के लिए, जो कानूनी FIR करके इन्हें पुलिस अभी ब्रजभूषण को तो नहीं बुला पाई, पर इन्हें कभी भी बुलाएगी, रोज बुलाएगी। और क्या होगा यह आपके सामने है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे बहादुर खिलाड़ी, देश का नाम अभी दोबारा से उन्होंने रोशन किया है, नीरज चोपड़ा जी। उन्होंने भी ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी ने जरूर देखा होगा कि नीरज चोपड़ा भी कल की तस्वीरों को देखकर शर्मसार हुए हैं। और उन्होंने खुद कहा है, मैं दुख व्यक्त करता हूं कि इस तरह की तस्वीरें एक खिलाड़ी को देखनी पड़ रही हैं। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारी बहादुर बेटियां लगातार डटी हुई हैं, सच्चाई और ईमानदारी से प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से न्याय मांग रही हैं कि आप न्याय करिए। और ये दिल्ली राजधानी के दो दृश्य हैं, कल का एक सुबह का है, दिन भर का, जहां आपने देखा जंतर मंतर पे आंदोलन को कुचला, किस स्तर पर कुचला, किस तरह का व्यवहार हुआ साक्षी मलिक के साथ, और शाम होते होते 16 साल की बेटी का। इसी यहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो मुझे लगता है ब्रजभूषण का गिरफ्तार होना तुरंत और उस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। अगर ये कार्रवाई होती है तो देश की लाखों करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं, उनके उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती, जैसे अभी तक नहीं हुई, तो ये स्वाभाविक है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और इन अपराधों को जो दिल्ली में हुआ है आप रोक नहीं सकते हैं।